तो आपको बताते चले कि ग्रेडी सदर अस्पताल में बिना खर्चा पानी दिए मरीजों का इलाज होना मुश्किल हो गया है। सदर अस्पताल में इलाज करा रहे कई मरीज ने ऑन रिकॉर्ड यह आरोप अस्पताल कर्मियों पर लगाया है। साथ ही अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने अस्पताल व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में लगाए गए एक्सरे मशीन के खराब रहने के कारण उन्हें महंगे दामों पर बाहर से एक्सरे करवाना पड़ रहा है, जबकि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बड़े बड़े दावे करती आ रही है। मरीजों ने जिला प्रशासन से सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर और बेहतर करने और मरीज से पैसा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, वो एक्सरे बाहर से दे देता, जबकि यहाँ पर उल्टा खराब है। खराब है सब, कैसे खराब है? मशीन बाहर वाला खराब नहीं रहता है और इलाज के लिए उतना पैसा नहीं है। 500 है बाहर से, कृष्णा जांच घर है वहाँ दिए 500 रुपया, तो रिपोर्ट रात में ले गया और एकदम पूरा पेशेंट थे रात में, तो नर्स आई उसको पूरा रिक्वेस्ट किए तब दिया। जब उसका मारपीट हुआ, बेहोशी हालत में थे, कौन से लखपत घर में था, घर में कोई नहीं था, दोनों बच्ची 15 अगस्त में स्कूल गए थे, हाई स्कूल, और लड़का जो है सो बाहर में रहता है, एक लड़का दो लड़की है। यहाँ पर आए तो क्या हुआ? सदर में इलाज के लिए आए तो क्या हुआ? सदर में इलाज के लिए हम आए तो यहाँ इलाज जो है सो इसी तरह चल रहा है, खाली सादा पानी चढ़ाते हैं, ना दवाई लिखने बोलते हैं तो ना दवाई लिखता है। जब पीला वाला दवाई जब हम लाए वहाँ से तो बोला नहीं देखा है। पेशेंट के लिए पेशाब का थैली मारने के लिए मैंने क्या बोला था? 500 रुपये कितना लेगा? 500। आप लोग किसका कंप्लेन की? आप लोग किसी को फिर इसको हम सिटी स्कैन करवा के